हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चेंज क्या होता है। चेंज का मतलब होता है बदलाव, और बदलाव किस सेंस में, जब हम स्टेट की बात करते हैं। सपोज़ करिए आपने कोई प्रोडक्ट ले रखा था, वो इस शेप का था, सॉलिड, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया गैस या फिर लिक्विड। किसी भी तरीके का चेंज, तो यहाँ से हमने ये देख लिया है कि चेंज का मतलब होता है अपनी स्टेट को बदलना। अब जो हमारा चेंज है वो दो तरीके का होता है। फर्स्ट इज फिज़िकल चेंज एंड अनदर वन इज केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज की अगर हम बात करें तो कोई भी मटेरियल जो अपनी शेप को बदल देता है पर उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। यानी यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे वो ये है कि इट चेंजेस इट्स शेप। यहाँ पर सिर्फ शेप का चेंज होता है, पर वही अगर हम केमिकल की बात करें तो यहाँ पर उसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है। केमिकल कंपोजिशन चेंजेस, इसको अगर आप एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपके लिए आसान होगा। सपोज करिए ये आपकी कैंडल है, ये कुछ टाइम के बाद बर्न होकर ख़त्म हो जाएगी, पर जब ये जल रही थी तो भी ये वैक्स थी, और जब ये बर्न हो गई तो भी ये वैक्स है। जो चेंज आया है वो सिर्फ इसकी शेप में आया है। क्या कहने का मतलब है कि जब भी कैंडल अपनी असली फॉर्म में थी, जब वो जल रही थी तब भी वो वैक्स की ही बनी हुई थी, और जब वो पूरी तरीके से जल गई, जब वो ख़त्म हो गई, तो भी वो वैक्स ही है। उसके प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आया है। पर वही अगर हम एग्जांपल लेते हैं केमिकल चेंज का, तो सपोज़ करिए हमने एक पेपर लिया हुआ है, ये कोई पेपर है, और इसे हमने बर्न कर दिया, तो अब हमें एशेज मिल जाएंगी। दीज आर एशेज। पेपर जलने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और थी, जलने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और हो गई। यानी जलने से पहले हम इस पर लिख सकते थे, ये हमारा एक वाइट पेपर था, जैसे कि आपका ये पेपर है, इसे अगर हम जला देंगे तो ये एशेज यानी कि राख में बदल जाएगा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से प्रॉपर्टी ही सब्सटेंस की बदल गई, इसे हमने कहा केमिकल चेंज। दूसरा पॉइंट हम ये देख सकते हैं इसमें कि जो हमारा केमिकल चेंज है, अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो ये इरिवर्सिबल है। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन जो ए प्रोडक्ट बी बनाता है और बी प्रोडक्ट ए नहीं बना सकता। आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि जब एक कैंडल बर्न हुई और वैक्स बन गई, जो पहले भी वैक्स थी और बाद में भी वैक्स थी, अगर इसे हम दोबारा रीशेप कर दें तो ये फिर से बन जाएगी। यानी फिज़िकल चेंज हमारा रिवर्सिबल है। क्या है हमारा फिज़िकल चेंज? रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब हमने क्या पढ़ा, जहाँ पर जो हमारा पहला प्रोडक्ट था रिएक्शन के बाद चेंज हुआ, और फिर उस सब्सटेंस को अगर हम दोबारा उसी शेप में लाना चाहें तो ला सकते हैं, और ये किस में होता है, सिर्फ फिज़िकल चेंज में। यानी ये हमारा वैक्स पहले भी था, ये वैक्स बाद में भी था, और इस प्रोडक्ट में हम इसे दोबारा बदल सकते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर को जिसे हमने बर्न कर दिया है, जो एशेज में कन्वर्ट हो चुका है, क्या ये पॉसिबल है कि ये एशेज दोबारा पेपर में बन जाए?
नहीं, इसी को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। वो सारी प्रोसेस जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो वापस उस सब्सटेंस में नहीं बन सकता जो पहले था, उसे हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल प्रॉपर्टी किसकी है? केमिकल चेंज की। दो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके यही है। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने ये देखा कि फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। पर अगर हम केमिकल की बात करते हैं तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इस वाले पॉइंट को हम इससे समझ सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो हमारा वैक्स था वो रिएक्शन के बाद भी वैक्स ही रहा, मतलब कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। पर यहाँ पर जो हमारा पेपर था जब उसे हमने बर्न कर दिया तो उसने एशेज बना दी, ये हमारा न्यू सब्सटेंस था क्योंकि एशेज हमारा स्टार्टिंग में नहीं थी, जब हमने उसे जला दिया उसके बाद हमारी एशेज बन गई। इसका मतलब कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ना कि फिज़िकल चेंज में। दूसरी चीज़ जो हम इसमें से देख सकते हैं वो ये है कि फिज़िकल चेंज टेम्परेरी होता है। और दूसरा पॉइंट जो हमें देखना है वो ये है कि फिज़िकल चेंजेस जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी का मतलब हम उन्हें दोबारा से सही कर सकते हैं, कुछ समय के लिए वो चेंज होता है। जैसे आपने एग्जांपल देखा था वैक्स का, जहाँ पर अगर हम दोबारा उस वैक्स को दोबारा से कैंडल बनाना चाहें तो बना सकते हैं, यानी सिर्फ टेम्परेरी तौर पे वो चेंज हुई थी। पर अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो ये परमानेंट है। एक बार अगर आपने उस कागज़ को जला दिया तो पॉसिबल नहीं है कि उस कागज़ को आप दोबारा पा सकें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए इसे हमने परमानेंट और इसे टेम्परेरी कहा है। तीसरा पॉइंट आपका, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब दोबारा से वो चीज़ बन सकती है, यहाँ पर इरिवर्सिबल यानी यहाँ पर हम दोबारा प्रोडक्ट जो हमारा इनिशियल था वो हमें नहीं मिल सकता। तो ये तीन पॉइंट्स थे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो आपको पता होने चाहिए।